का जाम का बस आधा घंटा बाकी और अभी तक की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं, चाहे वो शंभू बॉर्डर की तस्वीर हो, गुरुग्राम की तस्वीर हो, हर जगह से तस्वीरें लगातार आ रही हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। हालांकि ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है, अंबाला के आसपास हैवी ट्रैफिक जाम है क्योंकि नेशनल हाईवे है NH1 और ये हाईवे सीधा पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल को जोड़ता है। तो अंबाला के आसपास काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम है वहां पर, क्योंकि शंभू बॉर्डर से होकर ही आगे की तरफ बढ़ना है और शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं। चक्का जाम, हालांकि वॉलंटियर्स भी साथ साथ हैं। जो तस्वीरें और खबरें वहां से मिल पा रही है, हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं, वो यही है कि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम है। आधा घंटा और फिर उसके बाद चक्का जाम की समाप्ति होगी। अंबाला के करीब हाईवे पर हालांकि काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम है, इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया गया था कि आज चक्का जाम होगा 12 से 3 बजे तक और इसका असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि हरियाणा की तरफ से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शंभू बॉर्डर वही इलाका जहां पर 26 नवंबर को हरियाणा पुलिस के साथ किसानों की अच्छी खासी झड़प हुई थी, जब बैरिकेड्स तक तोड़ दिए गए थे। पहला पड़ाव था किसानों का, उसको पार करके वो सिंघू बॉर्डर तक पहुंचे थे। बहरहाल आज फिर से स्थिति वही, हरियाणा की तरफ का इलाका जहां पर बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस तैनात है, पंजाब की तरफ का इलाका जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। गुरुग्राम बॉर्डर और शंभू बॉर्डर दोनों जगह से मेरे से इस वक्त जुड़े हुए हैं सतीन चौहान मेरे साथ मौजूद है शंभू बॉर्डर से, गुरुग्राम से हमारे साथ राम किंकर मौजूद है। लेकिन पहले शंभू बॉर्डर, ट्रैफिक जाम भी लगातार है, खबरें वैसी भी आ रही हैं, आधा घंटा भी बस और बाकी है। सतीन जी, देखिए बिल्कुल नवजोत, जाहिर सी बात है नेशनल हाईवे है जो दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत को जोड़ता है, यहीं से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड इसी हाईवे से जुड़ते हैं। और ये ऐलान पहले ही कर दिया गया था कि 6 फरवरी को किसान संगठन चक्का जाम करेंगे, 12 से 3 का समय दिया गया था। तस्वीरें क्या है, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये शंभू बॉर्डर है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये इलाका पंजाब में आता है और इससे थोड़ा सा आगे हरियाणा शुरू हो जाता है। तो आज जो धरना प्रदर्शन है चक्का जाम का, वो पटियाला जिला लग जाता है पंजाब का, वहाँ पर चल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए आपको, सुबह से यहाँ पर ये लोग जुटना शुरू हुए थे और अब जबकि 3 बजने वाले हैं, यानी कि 2:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और 2.5 घंटे इस चक्का जाम के पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पर भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो हल्का हल्का सा, अब हालांकि ये टोल का इलाका है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर भी अब ये गाड़ियों का की भीड़ जुटने लगी है क्योंकि अब सबको ये लग रहा है कि 3 बजने वाले हैं, 3 बजते ही चक्का जाम खुलेगा, तो लोग अपनी गाड़ियों को लेकर निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगा नवजोत, की पहली बार ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस या फिर जो बुजुर्ग थे उनको गाड़ियों से किसानों ने अपने आप यहां से निकाला है, वॉलंटियर लगाए हुए थे, क्योंकि पिछले कई आंदोलन हुए और उसमें लगातार किसान संगठनों के ऊपर निशाना साधा। तो जाहिर सी बात है अब की बार जो ये चक्का जाम था इसमें किसान नेताओं ने सारी बागडोर अपने हाथ में संभाली है, अपने वॉलंटियर लिए हैं, बाकायदा वहां पर एक रजिस्टर रखा हुआ है और उसमें लोगों के नाम लिखे गए हैं ताकि किसानों के नाम का फायदा कोई और ना उठा जाए और इस आंदोलन को कहीं कमजोरी मिले। दूसरी बात नवजोत, जिस तरीके से यह आंदोलन चल रहा है ये पहला प्रदर्शन नहीं है, इससे पहले भी चक्का जाम हुआ है, इससे पहले दिल्ली में प्रदर्शन हुए हैं, इससे पहले हरियाणा और पंजाब में प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई है कि आखिर ये धरने प्रदर्शनों का दौर कब तक चलेगा। और ये जो तस्वीरें मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ये हरियाणा साइड है, यानी कि जहाँ तक कैमरा पहुँच रहा है वहीं से हरियाणा शुरू हो जाता है और उस तरफ हरियाणा पुलिस ने हैवी डिप्लॉयमेंट, भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है, क्योंकि ये जितने भी प्रदर्शन चल रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर का जो प्रदर्शन है सुबह ये भी हरियाणा की सीमा में था और दिल्ली के आसपास जितने भी प्रदर्शन चल रहे हैं छोड़कर गाजीपुर को, वो सब हरियाणा की सीमा में है। और जब राकेश टिकैत आए थे हरियाणा में, वो भी जींद में आए थे, तो जाहिर सी बात है हरियाणा में खासा अलर्ट जारी किया हुआ था। और ये तस्वीरें मैं आपको सीधी दिखा रहा हूँ यहाँ की, जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में ज्यादा जो है चिंता बनी हुई थी और उसके बाद अब स्थिति जो है, अब ये चक्का जाम का समय पूरा होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब हालात तनाव नहीं है,
लेकिन हालात को बिल्कुल सामान्य नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत पीछे तक जाम है, लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन फिलहाल चक्का जाम जारी है। 25 मिनट का वक्त अब और बचा है सत्येंद्र। इस बीच कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान एक बार फिर से सड़कों पर हैं। देश भर में किसानों ने 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान किया था। 12 बजे चक्का जाम शुरू हुआ, 3 बजे तक चलेगा। किसानों का ये संग्राम शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है। देखिए, पुलिस के पास जो जानकारी थी, जो हमने सुबह बात की थी, उनको ये अंदेशा था कि लेफ्ट से जुड़े हुए कुछ संगठन यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आ सकते हैं, जिसके बाद ही यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। और वो संगठन, वो लोग कितने की संख्या में होंगे, इसको लेकर के असमंजस था। इसी वजह से देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट थी पुलिस की। प्राइवेट बसें आप देख सकती हैं जो सामने, प्राइवेट बसें यहाँ पर लाके लगा दी गई थी। इसीलिए वो लगा दी गई थी कि अगर भीड़ आती है तो उनको तुरंत डिटेन करके ले जाया जा सके। और वही हुआ, जब अचानक से यहाँ पर भीड़ पहुंचती है, उसमें ज्यादातर महिलाएं थी, 40 से 50 लोग थे, और जो जानकारी है वो लेफ्ट से जुड़े हुए ही लोग हो सकते हैं, जिसके बाद महिलाएं यहाँ पर जो थी, महिला पुलिसकर्मियों ने उनको पकड़ करके बसों में जब बैठाना शुरू किया तो पुलिस को खासी मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग यहीं पर जब अचानक से वो पहुंचे तो पुलिस ने उनको जब हटाने की कोशिश की तो यहीं सड़क पर ही उनमें से कुछ लोग बैठने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद उन्हें उठा उठा कर जो बसें थी उनमें रखा गया और अब डिटेन करके उनको किसी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। और जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि 3 बजे के आसपास, जब 3 बजे तक का ये पूरा चक्का जाम है, तो 3 बजे के बाद उन सभी को छोड़ा जा सकता है। और अब आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी मिलन शर्मा की भी रिपोर्ट। 3 घंटे के चक्का जाम में वो भी मौजूद थी। क्या हालात देखे सड़कों पर, वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो देश में चक्का जाम करने वाले हैं। दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर्स हैं वो पहले से ही बंद हैं, लेकिन किसानों का ये कहना है कि इस वक्त वो दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। हम इस वक्त ITO के इंटरसेक्शन पॉइंट पर हैं और आप देख सकते हैं कि जबकि ये चक्का जाम दिल्ली के बाहर होने का ऐलान हुआ है, फिर भी पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी जो चीजें हैं वो नहीं छूटना चाहती हैं, क्योंकि एक तरीके से आप देखेंगे कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, दिल्ली पुलिस का दिया हुआ रूट फ्लाउट किया गया था, उसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि सब जगह पुलिस की बंदोबस्ती एकदम चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर ITO के इंटरसेक्शन पर पिछली बारी जब किसानों का ट्रैक्टर रैली चला था तब बहुत ज्यादा यहाँ पर हिंसा हुई थी और उसके कारण इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हाई सेंसिटिव जोन कैटेगरी में डाला गया है। 12 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट से चक्का जाम शुरू होते से बंद होते तक भी मॉनिटर किए जाएंगे। आलोक दार के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।